अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आज हमारा जो नंबर थ्योरी के बेसिक लेक्चर में सेकंड टॉपिक है वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम तक अप्रोच करने के लिए हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट का पता होना चाहिए। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट तो ये क्या होते हैं? ये होता है, ये कम्बिनेशन को हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। और इसमें जो एन होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। एन किसको बिलोंग करता है? एंड के क्या होता है? के हो सकता है हमारे पास 0 से लेके एन तक। ये होती है डेफिनेशन। तो ये जो हमारा कम्बिनेशन होता है, हमें पता है कम्बिनेशन किसके इक्वल होता है। ये होता है एन फैक्टोरियल ओवर के फैक्टोरियल, एन माइनस के फैक्टोरियल, इसके इक्वल होता है। तो ये हमारे कोफिशेंट एक्सप्लेन करता है। तो जिस तरह मैं अगर लेता हूँ 8 और 3 लेता हूँ, तो इसे मैं किस तरह करूँगा? 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ, फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ, तो ये मेरा 6 और ये मेरा 5 फैक्टोरियल आ गया, और 3 फैक्टोरियल 2 1 और 5 फैक्टोरियल ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। ओके, सेकंड में हम ये देखते हैं, एक हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है वो क्या है? हम लेते हैं एन और 0, वो कह रहे हैं कि ये इक्वल है एन और एन के। हम देखते हैं ये किस तरह इक्वल है। हम इसी डेफिनेशन को, एन कम्बिनेशन की डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। तो ये होता है एन फैक्टोरियल, फिर होता है 0 के का फैक्टोरियल, फिर होता है एन माइनस के का फैक्टोरियल। तो हमारे पास एन माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 0 का फैक्टोरियल 1 होता है हमारे पास, और एन फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर भी 1 आ जाएगा, 1 ओवर 1 इज़ इक्वल टू 1 होता है। ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये आ रहा है। अभी मैं करता हूँ किसको? एन फैक्टोरियल, एन कम्बिनेशन एन को। तो ये मेरे पास ये रिलेशन बनेगा। ओके, है ना? ये देखें सेम इसी तरह का बन गया। ये 0 फैक्टोरियल इधर से बन जाएगा और एन फैक्टोरियल, ये वाला एन फैक्टोरियल इधर से बन जाएगा। तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा हम अभी डिस्कस करते हैं पास्कल ट्रायंगल को। वो पास्कल ट्रायंगल भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के कोफिशेंट ही बताती है। वो किस तरह? जो हमारे पास पास्कल ट्रायंगल होती है, उसमें हमने लेना होता है इस तरह, फिर हमने क्या करना होता है, ये 1 लिखना होता है, इधर 2, फिर 1, फिर आपने इधर 1 लिखना होता है, इन दोनों को ऐड करना होता है, इधर लिख देना होता है, फिर इन दोनों को ऐड करना होता है, इधर लिख देना होता है, और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली आपने फिर इधर 1 लिखना है और इन दोनों को ऐड करना है, इधर 4 आ जाएगा, और इनको ऐड करना है तो 6 आ जाएगा, इनको करना है तो 4 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। फिर आपने सिमिलरली इसी तरह ही चलते जाना है। तो ये आपके बाइनोमियल
सीरीज के को एक्सपेंशन के ये हमारे पास कोफिशेंट आना शुरू हो जाते हैं। हम एग्जांपल करते हैं, हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन ये है, तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आती है। ओके है ना, जब हमारे पास ये चीज़ आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे रिलेट हो रहा है। ये क्या है, वन कोफिशेंट है तो वन आया, टू है तो टू आया, और वन है तो वन आया। जब एन इज इक्वल टू, हम एन की वैल्यू, हम ये हमारे पास होता है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन जनरल एन होता है, तो जब एन की वैल्यू टू रखी तो हमारे पास ये कोफिशेंट आएंगे, वन रखेंगे तो ये आएंगे। कैसे ये आएंगे, ये देखें मैं क्या करता हूँ, एन की वैल्यू वन रखता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आती है। ओके, इसलिए हमने वन वन से स्टार्ट किया था। तो सिमिलरली जब टू रखा तो ये आया, थ्री को आप चेक कर सकते हैं, जब हम थ्री रखेंगे तो हमारे पास ए क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी, और क्या आता है, थ्री का क्यूब आता है। तो जब हम सिंपलीफाई करेंगे, ये देखो ये थ्री इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये थ्री इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टू टाइम थ्री आ गया, और ए की पावर थ्री का वन कोफिशेंट और बी की पावर थ्री का वन कोफिशेंट आ गया हमारे पास। सिमिलरली ये इसी तरह ही चलता जाएगा। तो जिस तरह के ये हमारे पास है, ये किसके इक्वल होता है, ए की पावर फोर, फोर ए की पावर थ्री प्लस सिक्स की पावर सिक्स इंटू ए की पावर टू इंटू बी की पावर टू प्लस फोर ए बी की पावर थ्री प्लस बी की पावर फोर। तो इसमें हमारे पास कोफिशेंट क्या आ रहे हैं, ये देखें ये वाले यूज़ हो रहे हैं। ओके है ना, तो ये फोर के लिए थे। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, आप किस तरह बता सकते हो कि कोफिशेंट क्या आएंगे और कैसे आएंगे। सेकंडली आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये कोफिशेंट तो हमें इधर पास्कल ट्रायंगल से नज़र आ रहे हैं, ये आएंगे, और ये वाली चीज़ें कैसे आएंगी। ये भी हम जनरली अभी करते हैं, अभी हमने की नहीं है, अभी फ़िलहाल हम इसके को मैंने फर्स्ट में ये बताया था हमें कोफिशेंट का पता होना चाहिए, तो अभी तक हम सिर्फ कोफिशेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ये सीरीज़ को ना ए प्लस बी ओवर एन को जर्नल फॉर्म में लिख लें ना, तो उधर से हम कुछ कह सकेंगे। तो मेरे पास ये होती है, एन होता है प्लस एन वन कम्बिनेशन ए की पावर एन माइनस वन, और बी आ जाएगा, ये माइनस वन है, और प्लस क्या है, एन ओवर टू, सॉरी एन टू एन कम्बिनेशन टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू। ओके, और ये इसी तरह चलता जाएगा। ये देखें ये हमारा के है जो एन को एन की तरफ जा रहा है, तो हमने देखा था के के ऊपर के एन तक ही जा सकता है, इंक्रीज हो रहा है ना, के इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना इंक्रीज हो सकता है, एन टाइम इंक्रीज हो सकता है। तो ये कह दिया कि एन तक चला गया, और ये देखें ये भी के पे डिपेंड कर, ये जिस तरह के इंक्रीज हो रहा है उसी तरह ये हो रहा है, जब इधर एन आ जाएगा तो इधर भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन माइनस वन, और सॉरी एन माइनस एन दी वन हो, जीरो हो जाएगा, ए की पावर जीरो वन हो जाएगी, तो बी की पावर क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, ये देखें हमने कोफिशेंट की बात की थी, हम कोफिशेंट को किस तरह लिख सकते थे, एन के की फॉर्म, एन कम्बिनेशन
एन कम्बिनेशन ये वाली चाहिए थी, ये हमें क्या बता रहे थे, कोफिशेंट बता रहे थे। तो अभी हम क्या करते हैं, ये चीज़ें, ये जो वेरिएबल हैं साथ, ये कैसे आएंगे? अगर आप ये फॉर्म लिख लें, ये देखें ए में क्या हो रहा था, ए में एन को लेके चलते थे और के को पहले वन के साथ माइनस करते थे, फिर टू थ्री फिर के एन, और सिमिलरली इसी तरह ही ये जो बी था ये के की रिस्पेक्ट से इंक्रीज हो रहा था। तो इधर हम क्या करते हैं, समीशन लगा देते हैं, के क्योंकि वेरी हो रहा था, फर्स्ट में के क्या था, ज़ीरो था, इधर देखें के की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो और इधर भी ज़ीरो है, तो ये इधर के की वैल्यू, और इधर के की वैल्यू क्या है, वन है, तो ये कहाँ तक जा रही है, एन तक जा रही है। ये हमारे पास क्या आ गया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी ये क्या कर रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो आए हम अब ना एग्जांपल करते हैं कुछ इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए, कि फर्स्ट हमारी जो एग्जांपल है वो है एन के और के कम्बिनेशन आर के साथ, ये वो कह रहा है इज इक्वल होता है एन आर एन टू एन माइनस आर के माइनस आर कम्बिनेशन के, वो कह रहा है कि ये इसके इक्वल है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का इजी यही है, जिस तरह हमने मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड को लेते थे, राइट हैंड साइड बना लेते थे। तो अभी मेरे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में इतना नहीं मुझे कुछ नज़र आ रहा, राइट हैंड साइड में मुझे कुछ नज़र आ रहा है, तो मैं ऐसे करता हूँ, मुझे किस तरह पता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस पहले की है, जस्ट ये ठीक है ना। जिस तरह आप अगर फर्स्ट टाइम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ी देर लगेगी, आप लोगों को भी समझ आना शुरू हो जाएगी, चीज़ों को देख के हमें किस तरह विजुलाइज होगा कि कौन सी साइड लें। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, सॉरी राइट हैंड साइड लेता हूँ, पहले मैं सोल्यूशन लिख लूँ। तो मैं अभी क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड को लेता हूँ, और ये के माइनस आर तक। अभी मैं ये कम्बिनेशन है की फॉर्म में है, तो मैं कम्बिनेशन की डेफिनेशन लगा देता हूँ, के फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, और ये इसकी डेफिनेशन लगा लेता हूँ इस कम्बिनेशन की, तो मेरे पास ये आ गई। इधर से क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल और एन माइनस आर माइनस के प्लस आर फैक्टोरियल। ये देखें इधर माइनस आता होता है फार्मूले का, क्योंकि एन माइनस के होता है, तो इधर के की जहाँ पे क्या है, के माइनस आर है, तो के के साथ प्लस है तो माइनस हो गया, और माइनस आर के साथ है तो ये प्लस हो गया। अभी हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, ये देखें ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो रही है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एन फैक्टोरियल आ गया, ओवर में हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं, आर फैक्टोरियल आ रहा है, और हमारे पास के माइनस आर फैक्टोरियल आ रहा है, और मेरे पास ये देखें आर आर से कैंसल आउट हो रहा है, और एन माइनस के फैक्टोरियल आ रहा है। तो मज़ीद आप लोग इधर से क्या कर सकते हो, इधर हमने बनाना क्या था, हमने बनाना था एन के
कंबिनेशन और के आर कंबिनेशन। तो अगर हम क्या करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है, उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास है वो हम शेप देख लेते हैं फर्स्ट में। ये देखें हमारे पास के फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब है कि जब ये जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसके नोमिनेटर में क्या आएगा, के फैक्टोरियल आएगा। जिस तरह हमने इसको एक्सपेंड किया था, तो एन कम्बिनेशन में तो ऊपर नोमिनेटर में एन फैक्टोरियल है, सिमिलरली ये वाली टर्म। तो अभी जो हम हमारे पास एक्सप्रेशन जो आया है, तो इसमें के फैक्टोरियल नहीं था, तो मैंने क्या किया, के फैक्टोरियल को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया। तो सेकेंडली हमारे पास क्या है जो हमने प्रूफ करना है, ये जो हमने प्रूफ करना है, इसमें के कम्बिनेशन किसके साथ है, आर के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो के आर है, इसके लिए टर्म ये होनी चाहिए हमारे पास, ओके है ना, के माइनस आर फैक्टोरियल के, ओके। ये हमारा रफ है, क्योंकि हमें नहीं पता ना किसको किसके साथ मिलाएं, इस तरह रफ करके हम देखेंगे, फिर हमें कोई विजुलाइज चीज़ें होंगी ना। और एन के लिए हमारे पास एन फैक्टोरियल और के फैक्टोरियल, एन माइनस के फैक्टोरियल, ये वाली टर्म आनी चाहिए। तो इधर से हम क्या, ये देखें हमारी टर्म्स कंप्लीट है, अभी हमने सेपरेट सेपरेट ही करना है। सेपरेट किस तरह करना है, अभी मैंने विजुलाइज करवाया, ये होगा और इनके साथ हमारे पास के फैक्टोरियल वाली टर्म होगी, ये वाली, और मल्टीप्लाई क्या होगा, एन माइनस के फैक्टोरियल होगा। ये देखो मेरे, मैंने ये वाली टर्म को यूज़ कर लिया है, ये वाली टर्म को और दिस टर्म को यूज़ कर लिया है, तो अभी मेरे पास के फैक्टोरियल आ गया, ओवर में क्या है, आर फैक्टोरियल और के माइनस आर फैक्टोरियल। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, एन के कम्बिनेशन और इसको के आर कम्बिनेशन, यही हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाया है, वो इसलिए कि मैं ये बता सकूं आप लोगों को कि आपने किस तरह अप्रोच करनी है, चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह देखना है। तो इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अनदर एग्जांपल को डिस्कस करता हूँ, तो दो तीन एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और डिस्कस करके ये हमारा जो बेसिक लेक्चर है नंबर 3 का, ये हमारा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम डिविजिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।